राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी की आपकी सेकंड बुक पैनोरमा। पैनोरमा और वो भी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट द टाइगर किंग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसका एक पार्ट हमने पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू और लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में और इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या हासिल करेंगे, एक तो हम ट्रांसलेशन इनटू हिंदी अर्थात हिंदी में अपन ट्रांसलेशन कर पाएंगे इस पार्ट का। दूसरी बात होगी इस पार्ट में से जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको मुख्य रूप से लिखा दिए जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके उत्तर भी लगभग आप लिख पाएंगे। इसके बाद जो वीडियो जारी होगा वो 1 से 5 पार्ट का, जिसमें जो मुख्य मुख्य प्रश्न होंगे उनके उत्तर प्रकाशित किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप निश्चित रूप से बहुत ही दिल थाम करके मनोयोग पूर्वक इस पार्ट को आप देखेंगे और पार्ट के लिए जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके लिए 9610208295 इन पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। इस पार्ट को लगभग 5 सीन्स में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड सीन हमने पढ़ लिया। फर्स्ट और सेकंड सीन तक हम टाइगर किंग में कहां तक पहुंचे थे, टाइगर किंग का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद एस्ट्रोलॉजर जो था ज्योतिष ने घोषणा की कि राजा की मृत्यु जो है वो किसी एक बाघ के द्वारा होगी और जब राजा ने बाघ मारने शुरू कर दिया अर्थात वो 20-25 साल का हो गया, अपने सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने बाघ मारने शुरू कर दिए और एक पहला बाघ उन्होंने मार भी दिया। जब उन्होंने ज्योतिष को बुला करके पूछा कि अब बताइए आपकी क्या राय, तो उन्होंने कहा कि आप 99 बाघ मार सकते हैं लेकिन 100वां बाघ मारने में आपको दिक्कत होगी, यानी आप उसे नहीं मार पाएंगे और यदि आपकी मृत्यु बाघ से नहीं होती है तो मैं मेरी चोटी कटवा लूंगा, मैं मेरी किताबों को आग के हवाले कर दूंगा और मैं एक ये ज्योतिषी का काम छोड़ करके और एक कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा, इस प्रकार की वो भविष्यवाणियां करता है। अब हम पढ़ेंगे सीन 3 से लेकर के, जो आप अपनी किताब में देख लें, फ्रॉम दैट डे से लिखा हुआ है, फ्रॉम दैट डे वहां से हम ये सीन पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी आज हम चारों तीनों सीन भी पढ़ जाएंगे और उसके बाद जो मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे इस पार्ट के वो भी आपको लिखा दिए जाएंगे। आप प्रश्नों के उत्तर अवश्य आप भेजा करें क्योंकि अब आप इस सत्र में मेरे विचार से आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा और ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से आप अच्छे से अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पार्ट का जो शेष भाग रहा है, सीन 3rd, 4th and 5th की तरफ। देखिए ये जो सीन है 3rd, जो कि आपके यहां पर शुरू हुआ है, तो लेखक लिखता है कि फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम ऑफ ऑल द टाइगर्स इनहैबिटेटिंग प्रतिबुलपुरम, यानी उस दिन से जब ज्योतिष ने घोषणा की कि राजा जो है वो 99 बाघ मार सकते हैं लेकिन 100वां बाघ नहीं मार सकते, तो उस दिन से ही प्रतिबंधपुरम में निवास करने वाले बाघों के लिए एक अच्छा उत्सव का समय आ गया। ऐसे द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग, और पूरे राज्य में टाइगर का शिकार करना, बाघ का शिकार करना प्रतिबंधित कर दिया गया बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा, महाराजा के सिवा कोई भी बाघ का शिकार नहीं कर सकता था। ए प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा वाज इश्यूड टू द इफेक्ट that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. The Maharaja, yani ab kya ghoshna ki gayi, ghoshna ye thi us din ke prabhav se hi ki koi bhi yadi baag par koi patthar uchhalne ki bhi koshish karta hai, yadi baag ko marne ki koshish to dur rahi patthar uchhalne ki bhi koshish karta hai तो उसकी सारी संपत्ति, उसका धारा सारा धन और संपत्ति जो है वो कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर ली जाएगी।
जब्त कर ली जाएगी, सरकार में जमा कर दी जाएगी, उसे जेल हो जाएगी, इस प्रकार की घोषणाएं की गई। द महाराजा वॉट ही वुड अटेंड टू इल एंड अदर मैटर्स ओनली, यानी यहां पर टिल है, यानी महाराजा ने जब तक ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार ले तब तक महाराजा ने और राज्य में किसी की तरफ किसी मामले में कोई ध्यान नहीं दिया, अर्थात सारा ध्यान जो है उनका टाइगर हंटिंग की तरफ रहा। इनिशियली द किंग सेम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरू शुरू में जो है वो अपनी आकांक्षा को पूरा करने में बहुत अधिक रियलाइज अर्थात वो खुश महसूस हुए। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनके जीवन में या बाघ मारने के समय उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, खतरे से नहीं खेलना पड़ा, बहुत बार उन्हें खतरे से खेलना पड़ा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसा समय भी आया जब उनकी गोली का निशाना चूक गया था। द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम, तो बाघ जो है उछलकर उन पर वार कर दिया बाघ ने। एंड ही फोट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और निहत्ता होकर के भी उसने बाघ से लड़ाई की थी। यानी बहुत सारे ऐसे समय आए थे जिनमें बाघ जो है उन पर हमला कर देता और उनकी बंदूक गिर जाती, वो निहत्ता होकर के भी शेर से बाघ से लड़ता था। इस टाइम इस वाज द महाराजा हु वॉन, और हर समय जीत महाराजा की होती थी। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, ऐसा समय भी आया जिस समय उनको राज सिंहासन खोने की आशंका हो गई। एक राज सिंहासन खोने का खतरा भी, डेंजर यानी खतरा भी उनके लिए आ गया था। यानी अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश अधिकारी, उस समय अंग्रेजों का राज था, तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया, विजिटेड यानी भ्रमण किया, प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और वह बाघ के शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था, वेरी फॉन्ड, बहुत अधिक शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और उससे भी अधिक शौकीन था मरे हुए अर्थात शिकार किए हुए बाघ के साथ फोटो खिंचवाने का। टाइगर हंटिंग तो उसका तो उसे शौक था ही, इसके अलावा उसे यह शौक भी था, उससे ज्यादा शौक था फोटोग्राफ्ड अर्थात तस्वीर लेने का, मरे हुए बाघ के साथ बंदूक लेकर के तस्वीर लेने का उसे और अधिक शौक था। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, एक सदा की तरह उसने भी प्रतिबंधपुरम में बाघों का शिकार करने की अनुमति चाही, अर्थात उसने इच्छा जाहिर की, विश्ड। बट द महाराजा वाज फर्म इन हिज रिजर्व, लेकिन महाराजा अपने निर्णय पर दृढ़ निश्चय थे कि वे अटल थे कि मैं किसी को बाघ मारने की अनुमति नहीं दे सकता। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने कहा कि मैं अलग प्रकार के शिकार की व्यवस्था कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज आयोजन कर सकता हूं, शिकार की व्यवस्था कर सकता हूं। यू मे गो ऑन ए बोअर हंट, आप एक सुअर का शिकार कर सकते हैं, बोअर एंड सुअर। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप एक चूहे का शिकार कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर मस्किटो हंट, आप मच्छर का शिकार कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दिस इज दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ का शिकार असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने महाराजा टू द सेक्रेटरी, महाराजा के दीवान के थ्रू उन्होंने एक संदेश भिजवाया, सेंट वर्ड, एक संदेश भिजवाया कि जो दुरई, दुरई का था अफसर, यहां पर ब्रिटिश अफसर, दुरई जो है वो टाइगर मारने के ही शौकीन नहीं है, महाराजा कुड बी द एक्चुअल किलिंग, उन्होंने कहा कि महाराजा कुड बी द एक्चुअल किलिंग। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुरई वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस, कार्कस यानी शव, मृत शरीर, डेड बॉडी, कि महाराजा शिकार महाराजा कर सकते हैं लेकिन उन दुरई के लिए अर्थात ब्रिटिश ऑफिसर के लिए उस मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बंदूक लेकर के और मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया, इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। वुड नॉट एग्री प्रपोजल एंड प्रस्ताव। इफ ही रिलेंटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तो उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने ये सोचा, उन्हें ये आशंका थी कि यदि इसके बाद कोई ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंट के लिए आ जाए, अगर मैं इनको अनुमति देता हूं दूसरा आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से मना किया है। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब महाराजा को राज्य खोने का खतरा पैदा हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को शिकार करने से मना किया था। As said the Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue, महाराजा और दीवान ने इस मामले पर बहुत अधिक गहन विचार किया, deliberations गहन विचार किया। As a result, परिणाम स्वरूप a telegram was dispatched forthwith to famous British company of jewelers in Calcutta, और कलकत्ता की एक प्रसिद्ध ज्वेलरी हीरे जवाहरात की जो कंपनी थी उस कंपनी को एक टेलीग्राम भेजा गया, यानी उन्होंने इस मामले पर कि हमने प्रतिबंधपुरम में शिकार करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी को मना किया है तो अब हमारा राज्य खो सकता है, तो इसलिए उन्होंने क्या आयोजन किया कि एक कंपनी को जो ब्रिटेन में ब्रिटेन की कंपनी थी कलकत्ता में स्थापित थी और वो ज्वेलर्स अर्थात हीरे जवाहरात आभूषण बनाया करती थी सोने के, उसे एक तार डिस्पेच किया, तार डिस्पेच करके और क्या किया कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स डिफरेंट डिजाइन्स सम 50 रिंग्स अराइव, और उन्होंने उससे तार में क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन इन टेलीग्राम, टेलीग्राम में लिखा हुआ था कि सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, कि आप हीरे की जड़ी हुई अंगूठियों की या मूल्यवान जो अंगूठियां हैं बहुत अधिक मूल्यवान अंगूठियां हैं विभिन्न डिजाइन्स में एक कुछ सैंपल भेजें, सैंपल भेजने का उन्होंने ऑर्डर दे दिया और सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कोई लगभग 50 जो अंगूठियां हैं वो वहां से सैंपल बनकर के आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और ये सारे के सारा जो मामला था अर्थात सारे के सारे अंगूठियां थी 50 अंगूठियां, पचासों पचासों अंगूठियां उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरेशानी टू द चूज वन और टू रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अब मिनिस्टर को अर्थात दीवान को और राजा को ये उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड ये उम्मीद करते थे कि ये दुरेशानी अर्थात ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी जो है इनमें से एक या दो अंगूठी रखेगी और बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरेशानी सेंट हर रिप्लाई, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ ही समय में बिना विलंब किए वापस उनका उत्तर आया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, कि इस उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी अंगूठी वापस नहीं भेजी, कोई अंगूठी वापस नहीं आई, केवल धन्यवाद शब्द आया। इन टू डेज ए बिल ऑफ फॉर 3 लाख ऑफ रूपीज केम फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, और ब्रिटिश ज्वेलर्स से 2 दिनों में 3 लाख का बिल आ गया। कितने रुपए की अंगूठियां थी वो, 3 लाख। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस 3 लाख ऑफ रूपीज, फिर भी महाराजा खुश थे क्योंकि ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी को अपने राज्य को खोने से बचा लिया था, यानी 3 लाख रुपए का हर्जाना देकर के भी राजा खुश था क्योंकि वो अपना राज्य बचाने में कामयाब हो गए थे। यहां से एक प्रश्न आ सकता है, वो हम आगे आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रश्न है उनमें शामिल किया गया है। अब क्या शुरू होता है, देखिए ब्रिटिश अधिकारी को मना लिया। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा की ये शिकार
या बाघों का शिकार करना बहुत अधिक सफल रहा। विद इन 10 ईयर्स ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स और 10 वर्षों में करीब 70 बाघ उन्होंने मार दिए थे। एंड देन एन अनफॉर्चुनेट हडल ब्रॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल और अब एक अज्ञात बाधा उनके सामने आ गई थी। वो क्या बाधा थी? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या, प्रतिबंधपुरम का जो जंगल था उसमें बाघों की संख्या लुप्त होने लग गई, एक्सटिंक्ट लुप्त होने लग गई। हु नाउज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हादगारी। अब कौन जानता कि टाइगर्स ने अपना परिवार नियोजन अपना लिया हो या आत्महत्या करना शुरू कर दिया हो। हरकिरी का अर्थ होता है आत्महत्या, यानी आत्महत्या, यानी उन्होंने आत्महत्या करना शुरू कर दिया हो या बर्थ कंट्रोल यानी परिवार नियोजन करना शुरू कर दिया हो। और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या साधारणतः यह हो सकता है कि वे उस राज्य से कहीं भाग गए हो। दे डिजायर टू सॉर्ट बाय ब्रिटिश हैंड अलोन, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के बंदूक से ही मरना था या उन्हीं का शिकार होना था। वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? उन्होंने कहा कि दीवान साहब, क्या आप इस बात के लिए सचेत नहीं है कि वास्तव में अब भी मेरी इस बंदूक से, बंदूक को दिखाते हुए वो कहते हैं कि मेरी इस बंदूक से अब भी 30 बाघ मारे जाने शेष है। अर्थात 70 तो उन्होंने मार दिए थे लेकिन 30 बाघ अब भी मारे जाने शेष थे। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, उन्होंने अपनी गन को लहराते हुए, ब्रांडिशिंग यानी गन को लहराते हुए उनसे पूछा। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, ऐसे गन को इस प्रकार लहराते और उससे डरते हुए दीवान साहब क्राइड आउट, दीवान साहब चिल्ला करके बोले, योर मेजेस्टी साहब, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, अरे उन्होंने कहा कि कौन मूर्ख होगा जो आपको टाइगर कहेगा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, तो उन्होंने कहा कि तो फिर मैं बंदूक भी नहीं हूं, मैं टाइगर नहीं हूं, मैं बंदूक भी नहीं हूं। ये दीवान साहब ने कहा, जैसे मान लो यहां पर एक आ सकता है कि नो आई एम नॉट ए गन, वुड इट से सो, ऐसा किसने कहा? इट वॉज शेड बाई दीवान साहब। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, उसने कहा कि आप ने तो टाइगर हैं और न ही बंदूक हैं दीवान साहब। आई समंड यू, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया है, समंड ने बुलाया है, यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आपको मैंने एक भिन्न उद्देश्य से या अलग प्रस्ताव के वास्ते मैंने आपको यहां बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मुझे शादी करनी है, मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। दीवान साहब बिगन टू बबल इवन मोर, दीवान साहब और भी बड़बड़ाना शुरू हुए और कहा कि ओ मेजेस्टी आई हैव टू वाइव्स ऑलरेडी, उसने कहा कि दीवान साहब ने कहा कि मेरे पहले से 2 पत्नियां हैं, इफ आई मैरी यू तो मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, उसने कहा बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट टू ए टाइगर इज ए टाइगर, व्हाट आई वांट इज ए टाइगर, मुझे टाइगर चाहिए अर्थात बाघ चाहिए। तो दीवान कहता है यू मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, आप इस पर विचार कीजिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू दिस सॉर्ट, आपके पूर्वज जो थे, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज, आपके जो पूर्वज थे वो तलवार से शादी किया करते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, आप यदि चाहते हैं तो बंदूक से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ टू दिस स्टेट, द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ टू दिस स्टेट, यानी इस राज्य के लिए तो एक टाइगर किंग ही ठीक है। It doesn't need a tiger queen as well. उसने कहा कि अरे टाइगर बाघिन या टाइगर बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है, बाघ रानी की आवश्यकता नहीं है। महाराजा gave a loud crack of laughter, महाराजा बहुत अधिक हंसे, जोर से हंसे, ठाका लगाया
आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और गन। उन्होंने कहा कि मैं कोई बाघिन से शादी करने नहीं जा रहा हूँ, ना ही बंदूक से शादी करना चाहूँ, बट गर्ल फ्रॉम रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, लेकिन मैं एक मनुष्य जाति की राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू में ड्रॉप स्टेटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले आप यहाँ अपने पड़ोसी जो राज्य हैं, नेटिव स्टेट्स, अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में जहां पर ज्यादा टाइगर हो, टाइगर पॉपुलेशन का पता लगाइए। यू में ड्रॉ ऑफ स्टेटिक्स, यानी उनका आंकड़ा लगाइए कि किस राज्य में टाइगर पॉपुलेशन ज्यादा है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल, और फिर आप ये खोज कीजिए, इन्वेस्टिगेट यानी अन्वेषण कीजिए कि वहां पर कोई लड़की है। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट, मैं उस राज्य की राजकुमारी से शादी करूंगा विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी जिस राज्य में अधिक बाघ होंगे उस राज्य में शादी करूंगा, अर्थात जहां पर मेरा काम भी हो जाए। दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उनके ऑर्डर्स को माना, फॉलो किया। ही फाउंड द गर्ल, राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी ही फाउंड द राइट गर्ल, उन्हें एक राज्य में ऐसी लड़की मिल गई जिसमें बहुत अधिक संख्या में टाइगर थे, बाघ थे। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब कभी भी वे अपने ससुराल जाते, ससुर से मिलने के लिए जाते, तो 5 या 6 टाइगर अपने ससुराल में मार देते। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडॉर्न्ड, इस प्रकार 99 टाइगर्स की जो खाले थी, स्किन्स जो थी, उससे वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम पैलेस, यानी प्रतिबंधपुरम के राजमहल में उनका जो रिसेप्शन हॉल था, स्वागत कक्ष था, उस स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खालों से उस स्वागत कक्ष को सजा दिया, अर्थात उस कक्ष में 99 बाघ मार करके उन्होंने टांग दिए थे, 99 खाल। अब पांचवा सीन आता है, पांचवा सीन में देखिए, द महाराजाज एंग्जायटी रीच्ड ए फीवर पिच व्हेन देयर रिमेंड जस्ट 1 टाइगर अचीव हिज टैली ऑफ 100। अब महाराजा को और अधिक चिंता हो गई कि जब सिर्फ और सिर्फ अपना हिसाब बिठाने में 100 में से सिर्फ 1 टाइगर मारना शेष रह गया था, 99 उन्होंने मार दिए थे और 1 टाइगर शेष रह गया था। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड सेम ड्रीम एट नाइट, और यही चिंता दिन में भी रहती थी और रात्रि को सपने में भी यही दिखता था कि 100वां बाघ कैसे मारा जाए। By this time the tiger farms had run dry even his father-in-law's kingdom. Yani by this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और अब उसके ससुर के जो ससुर का राज्य था उसमें से भी उनके जो वहां के जो टाइगर थे, बाघ थे, वो लुप्त हो गए थे, वो भी भाग गए थे। It became impossible to locate tiger anywhere. अब बाघ को संभालना, लोकेट करना, ढूंढना मुश्किल हो गया था, असंभव हो गया था। Yet only one more was needed. और केवल एक ही आवश्यकता थी, वो एक भी नहीं मिल रहा था। If he could kill just that one single beast, if he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. यदि अब ये एक सिंगल टाइगर यदि मारने के लिए, शिकार करने के लिए मिल जाता है, तो अब राजा को फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। He could give up tiger hunting altogether, और उसके बाद वो सदा के लिए टाइगर हंटिंग, बाघ का शिकार करना छोड़ देंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन एक चेतावनी ये भी थी कि इनको बहुत अधिक रूप से, यानी सावधान रहना होगा, 100वें बाघ से अधिक सावधान रहना होगा। What had the late chief astrologer said? यानी स्वर्गीय जो मुख्य ज्योतिषी थे, उन्होंने जो कहा था, Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be beware of hundreds. Astrologer ने कहा था कि 99 बाघ मारने के बाद भी राजा को 100वें बाघ से बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। True enough, और सत्य भी था। The tiger was a savage beast after all. Tiger जो है वो एक जंगली जानवर ठहरा। One had to be wary it, but where was the 100 tiger to be found? लेकिन ये 100वां बाघ कहाँ मारा जाए, कहाँ ढूंढा जाए?
इट सेम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। अब टाइगर का दूध ढूंढ पाना आसान था एक जीवित टाइगर को देखने की बजाय। जीवित टाइगर नहीं मिल सकता था, उसका दूध जरूर मिल सकता था। यानी कहने का मतलब ये कितनी असंभव बात थी। थस द महाराजा वाज सन्क इन ग्लूम, महाराजा दुख में डूब गए, चिंता में डूब गए। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, और लेकिन शीघ्र ही एक खुशखबरी आई जिसने उनके इस दुख को, इस चिंता को डिस्पेल्ड एंड दूर किया। इन हिज ओन स्टेट, उनके ही राज्य में शिप बिगेन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज, यानी गांव के पहाड़ी की तरफ उनके गांव की भेड़े हैं उनके ही राज्य में गायब होने लगी थी, अर्थात भेड़े कम हो रही थी। एवर जहां पर भेड़े जाती तो भेड़े कम होने लग गई थी। इट वॉज फर्स्ट एस्टेंट दैट दिस वॉज नोट वर्क ऑफ खादर मिया साहब और वे सामानी नायकर। उन्होंने सोचा कि उन्हें संदेह था कि ये काम कहीं खादर मियां साहब और वीर स्वामी नायकर का तो नहीं है। बहुत फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी स्वालोड शीप हूल, जो कि दोनों ही खादर मियां और वीर स्वामी नायकर दोनों ही जिंदी भेड़, अर्थात पूरी भेड़ चबा जाने में, पूरी भेड़ खा जाने में प्रसिद्ध थे। श्योरली टाइगर वाज एट वर्क, और निश्चित रूप से ये कोई टाइगर का ही काम होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और गांव के जो लोग थे, निवासी थे, वो महाराजा को सूचना देने के लिए दौड़े भागे। एंड महाराजा अनाउंस्ड ए 3 ईयर एग्जेम्पशन ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट टू द हंटेड वंस। महाराजा ने उस गांव को 3 साल के लिए टैक्स से मुक्त कर दिया कि वहां से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उस गांव से 3 साल के लिए टैक्स मुक्त कर दिया, घोषणा कर दी, और तुरंत शिकार के लिए निकल गई। The tiger was not easily found. Tiger जो है वो आसानी से नहीं मिला। It seemed as if it had wantonly hid himself in order to thwart a Maharaja's will. और ऐसा लग रहा था कि वह टाइगर कहीं महाराजा की वजह से छिप गया हो। The Maharaja was equally determined, लेकिन महाराजा भी बहुत अधिक determined, दृढ़ निश्चय थे, अर्थात वो बाघ दिख नहीं रहा था और महाराजा ने भी निश्चय कर लिया था कि अब इस बाघ को मार के ही रहूंगा। He refused to leave the forest until this tiger was found. उन्होंने उस जंगल से, जंगल को छोड़ने से मना कर दिया था, अर्थात उन्होंने कहा कि जब तक ये टाइगर मुझे नहीं दिखेगा या टाइगर को नहीं मार लूंगा तब तक मैं इस जंगल को छोड़ूंगा ही नहीं, मैं यही रहूंगा। As the days passed, दिन बीतते गए, महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly, अर्थात दिन बीतते गए और महाराजा का जो क्रोध और भी बढ़ता गया, क्योंकि ऑब्स्टिनेसी जिसको कहते हैं पास्विकता जो है अधिक बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि वो बाघ नहीं मार पा रहे थे। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और बहुत सारे अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, और जब एक दिन वो क्रोध में सीमा से बाहर थे, चरम पर था क्रोध, तब द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ, और महाराजा ने दीवान को बुलाया और कहा कि इस गांव का टैक्स दुगुना कर दो, इस गांव का टैक्स दुगुना कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, और वहां के लोग असंतुष्ट हो गए। देन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इस गांव में, गांव के लोग डिसकंटेंटेड होंगे, असंतुष्ट होंगे। देन आवर स्टेट विल फॉल ए प्रे टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा जो जो स्टेट है, हमारा राज्य है, इसमें दुर्भिक्ष होगा और लोग जो है नेशनल कांग्रेस के सामने प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दो, अर्थात आप भी इस्तीफा दे सकते हो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। अब दीवान को चिंता होगी, दीवान से कहा गया कि अब आपको भी अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना है। तब दीवान साहब घर आए, घर आने पर बहुत अधिक चिंतित थे, और उन्होंने देखा कि महाराजा को यदि टाइगर नहीं मिला
तो इसका रिजल्ट जो है वो कैटेस्ट्रॉफिक होगा, बहुत ही बुरा होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर व्हिच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिज ओनली ही फेल्ट इज लाइफ रिटर्निंग टू होम ओनली, अर्थात जब वो घर आए तब उनके सांस में सांस आई, जब उन्होंने देखा वेन ही सॉ द टाइगर, एक टाइगर जो कि पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था, एक बाघ जो कि उनके घर में रखा गया था दीवान साहब के, ये देख करके उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, मध्य रात्रि को जब सारा कस्बा सो रहा था, दीवान एंड हिज एस्ट वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार, और दीवान साहब और उनकी पत्नी ने उसे बूढ़े टाइगर को घसीट करके कार की तरफ ले गए एंड शॉव्ड इट इनटू द सीट, और उसे सीट पर डाला। दीवान साहब हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, और दीवान साहब सीधे उस कार को वहां ले गए जहां पर जिस जंगल में महाराजा हंटिंग के लिए शिकार के लिए आए हुए थे। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और जब वहां पहुंच करके उन्होंने उसे कार से बाहर निकालना चाहा तो शेर ने सत्याग्रह शुरू कर दिया, अर्थात वो कार से बाहर निकलने से मना कर रहा था, अर्थात वो निकल ही नहीं रहा था। दीवान वाज ट्रूली एक्सॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स, दीवान जो है वो इस प्रयास में बहुत अधिक थक चुका था, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार, उसे बाघ को अपनी कार से बाहर निकालने में अर्थात उस जंगल में छोड़ने से, एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उन्होंने धक्का दे करके उस बाघ को कहां डाल दिया, उसे ग्राउंड पर डाल दिया, जमीन पर डाल दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजा'स प्रेजेंस एंड स्टूड एज ए हम्बल सप्लिकेशन, अब अगले दिन वही टाइगर घूमता हुआ महाराजा के सामने उपस्थित हो गया, और ऐसा लग रहा था कि महाराजा से वो कह रहा हो कि मेरे लिए क्या आदेश है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड फॉर मी, आप मेरे लिए क्या आदेश दे रहे हो मालिक। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय फॉर दैट महाराजा टू केयरफुल एम, ये महाराजा के लिए बहुत अधिक असीमित आनंद का समय था, महाराजा ने सावधानी पूर्वक उस पर निशाना साधा जानवर पर, एंड द टाइगर फेल इन ए क्रम्प्ड हीप, और टाइगर जो है वो ढेर से गिर गया, अर्थात उस पर गोली चलाई गई। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 बाघ मार दिया, माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, मेरा प्रयोजन पूरा हुआ। महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन ऑफ ऑर्डरिंग द टाइगर, महाराजा जो टाइगर इलेशन से अर्थात टाइगर्स को मारने में सफल हुए, और ब्रोटो टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के साथ उस टाइगर को वहां पर लाया गया। महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार, महाराजा शीघ्रता से अपनी कार में बैठ करके चले गए। अब क्या होता है, उस सोवे बाघ को उन्होंने अपने हिसाब से तो मार दिया, और वो मार करके और वहां चले गए, अपने राज्य में चले गए। आगे क्या होता है देखिए, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक एट द टाइगर, जब महाराजा वहां से छोड़ चुके थे अर्थात महाराजा वहां से घर चले गए थे, तो वहां के जो शिकारी थे वो उसके पास जाकर के उन्होंने टाइगर को देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट, अब उन्होंने देखा कि टाइगर अभी भी अपनी आंखों से उन लोगों को बिफरा हुआ लग रहा था, अर्थात टाइगर उन्हें जिंदा लग रहा था, यानी अपनी गोल गोल आंखें घुमा रहा था। द मैन रिलीज द टाइगर बस बीट, उन्होंने देखा कि टाइगर मरा नहीं है। अ टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, उन्होने देखा कि टाइगर तो जिंदा था, और ए फ्यू डेज लेटर महाराजाज यानी टाइगर जिंदा था, और उन्होंने क्या किया, एक शिकारी ने कुछ दूरी से निशाना साधा और फिर टाइगर जो है वो टाइगर को मार गिराया, मतलब उन टाइगर पर निशाना साध करके, और उसे शिकारी ने उसे मार दिया।
फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों बाद महाराजा के राजकुमार उनका पुत्र था उसका तीसरा जन्मदिन मनाया गया, तीसरा जन्मदिन मनाया गया। अंटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। अब टाइगर हंटिंग करके अर्थात उनका दिमाग पूरी तरह से खुश हो गया था। ही हैड नो टाइम स्पेयर ऑफ क्राउन प्रिंस, अपने क्राउन प्रिंस के लिए टाइगर हंटिंग के कारण वो समय नहीं दे पाए थे। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। अब राजा जो है वो अपने बच्चे की तरफ अपना ध्यान देना चाहते थे। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और अब उसके बर्थडे पर जन्मदिन पर उसे एक अच्छा गिफ्ट देना चाह रहे थे। ही वेंट टू अ शॉपिंग एंटायर सेंटर प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप। वो प्रतिबंधपुरम के केंद्र में जो दुकानें बनी हुई थी वहां पर शॉपिंग करने के लिए गए और प्रत्येक शॉप में उपहार के लिए गिफ्ट के लिए उन्होंने तलाश की। बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उन्हें कोई उपयुक्त नहीं लगा। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज परफेक्ट गिफ्ट। और उन्होंने अंत में एक देखा कि एक दुकान थी जहां पर लकड़ी का एक टाइगर बना हुआ था, खिलौनों की दुकान जिस पर एक लकड़ी का टाइगर था, बाघ था, और उन्होंने कहा कि ये बाघ मुझे लेना चाहिए, ये इसके लिए गिफ्ट सही रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड ए क्वार्टर, यानी उनके जो टाइगर की लकड़ी का जो टाइगर था उसकी कीमत थी 2.25 आना, 2 आनास एंड ए क्वार्टर अर्थात 2.25 आना उनकी थी। बट द शॉप कीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो शॉप कीपर ने सोचा कि यदि मैं इतनी कम कीमत बताऊंगा, 2.25 आना बताऊंगा, तो राजा मुझे दंडित करेंगे। सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उन्होंने कहा कि ये एक लकड़ी की जो कला है, हुनर है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा नमूना है। दे बार्गेन एट 300 रुपीज और इसके 300 रुपए हैं। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग द क्राउन प्रिंस। उसने कहा कि आपने राजकुमार के लिए इतना अच्छा शेर बनाया, उसके लिए आपको धन्यवाद। शेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, और उन्होंने उस लकड़ी के टाइगर को, खिलौने को ले लिया और चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उसी दिन बाप और बेटा अर्थात राजा और उनका राजकुमार उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। इट हैज बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अर्थात उस बढ़ईगिरी में कुछ खुरदरापन था, कार्व्ड अर्थात उसमें खुरदरापन था। टाइगर जो लकड़ी का था तो उसमें उतना वो चिकना नहीं था, थोड़ा खुरदरा था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका पेंदा बहुत अधिक खुरदरा था। और टाइनी स्लीव्स यानी छोटी छोटी जो कीले थी उस लकड़ी की, ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्वेल्स ऑल ओवर इट, यानी जिस प्रकार छोटी छोटी कीले होती है उस प्रकार उस लकड़ी की कीले उसमें उबली हुई थी। वन ऑफ दो स्लीव्स पियर्स्ड इट, यानी पियर्स महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक कील जो थी लकड़ी की वो महाराजा के दाएं हाथ में चुभ गई। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. उन्होंने बाएं हाथ से उस कील को निकाल लिया और अपने राजकुमार के साथ खेलते रहे। Next day, infection flared in Maharaja's right hand. और अगले दिन देखा कि उसका जो infection था, उसका संक्रमण था उस कील का, वो बहुत अधिक फैल गया था महाराजा के right hand में। In 4 days, 4 दिनों में it developed into a सपोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और 4 दिनों में उसका विस्तार इतना हो गया था कि पूरा का पूरा उनकी जो आर्म थी, पूरी भुजा थी, वो बहुत अधिक दर्द करने लगे थी। 3 famous surgeons वर ब्रोट इन मद्रास फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 शल्य चिकित्सक आए, प्रसिद्ध चिकित्सक आए। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और पूरा निर्णय करने के बाद उन्होंने कहा कि टाइगर अर्थात राजा के हाथ का ऑपरेशन करना होगा। द ऑपरेशन टू प्लेस, ऑपरेशन किया गया। 3 surgeon हु परफॉर्म्ड इट कम आउट फ्रॉम द थिएटर, अर्थात वो थिएटर से, ऑपरेशन कक्ष से बाहर आए एंड अनाउंस और कहा ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, द महाराजा इज डेड, लेकिन महाराजा मर गया था।
इन दिस मैनर द हंड्रेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन दिस टाइगर किंग। और इस प्रकार फाइनल रूप से, अंतिम रूप से जो सोवा बाघ जो था उसने महाराजा से अपना बदला ले लिया था, अर्थात वो सोवा बाघ नहीं मार पाए थे। ये पाठ था। इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। देखिए, हु वाज द टाइगर किंग एंड व्हाई डिड ही गेट दैट नेम, कि बाघ राजा कौन थे और उन्होंने ये नाम कैसे लिया, ये पहले पार्ट में से है, आप ध्यान रखें। हाउ वाज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, जंग बहादुर अर्थात राजा का पालन पोषण किस प्रकार किया, इसका पहले भी अपन ने देखा है और भी आप देख लेना। व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रतिबंधपुरम में बाघों का मारना प्रतिबंध क्यों किया गया। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी अ गर्ल ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ एस्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, अर्थात अधिक संख्या बाघों की संख्या वाले राज्य से राजा जो है वो शादी क्यों करना चाहते थे। हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन एंड हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम, राजा को अपना राज्य खोने का समय कैसे आया, यथार्थ कैसे, और उसने उसे अपनी राजधानी को कैसे बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉज द हंड्रेड टाइगर फाउंड एंड किल्ड, सोवा बाघ किस प्रकार मिला और कैसे मारा गया। ये था पार्ट, उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अधिक अच्छा होगा, और अगला जो सेकंड पार्ट है वो शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा, उसके मोस्ट क्वेश्चंस भी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।